वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज ने अली अमीन गंडापुर को खरी खरी सुना दी। अपनी छत अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि अभी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ़ हैं, सूबे पर तवज्जो के बजाय जलाओ घिराओ और मर जाओ मार दो की बात कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं मगर वो जिम्मेदारियों पर तवज्जो के बजाय गालियाँ दे रहे हैं। एक ऑपोजिशन पे आ गया है शहबाज शरीफ साहब, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तरक्की लाने की बात हो रही है, प्रोजेक्ट्स के बाद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतजार फैलाने में मसरूफ। हम काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अपनी जिम्मेदारियाँ पहचानने के बजाय उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे, घिराओ जलाओ आग लगा दो मार दो मर जाओ पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती, ना मेरे पास वक्त है इन फजूल बातों का, इस फजूल लैंग्वेज का जवाब देने के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत के लिए यहाँ पे मामूल किया, गाली गलोच के लिए मामूल नहीं किया यहाँ पर। मुझे आज खुशी है इस बात की कि इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी, पूरी तरह पंजाब में वो फेल हुई, इनको खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे, आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की और जेल से उसका हुक्म सादर किया गया था, लेकिन यहाँ पर आईजी साहब भी तशरीफ रखे और लोग भी हैं, कहीं दो लोग निकले, कहीं पाँच लोग निकले, कहीं सात लोग। लाहौर में एक जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला, क्यों नहीं निकला? अभी इन्होंने पिंडी में कॉल की, इनको ड्रामा किया, इन्होंने वहाँ से चले यहाँ आने लगे। मेरी पंजाब पुलिस को इन्होंने 6-8 लोगों के पंजाब पुलिस के जो जवान हैं उनके सर पर, और लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जेल से कॉलें आ रही, वो जेल में जो अडयाला जेल में बंद है वो कभी सुना है कि उसने कभी ये कहा अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उसने ये कहा कि आज से तुमने आवाम को जो है वो फ्री दवाई देनी? बिल्कुल सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त होनी चाहिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं मिलेगी कभी। मैंने तो कभी नहीं सुना कि जेल से कभी पैगाम आया हो कि हेल्थ कार्ड दे दो, कभी नहीं सुनी। हमेशा सुना है कि वहाँ पर आग लगा दो, वहाँ पे घेराव कर लो, वहाँ पुलिस वालों के सर फाड़ दो।